हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्पेशल फीचर्स क्या थे, टेम्पलेट इन एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम एमएस वर्ड में किस तरह से फाइल को क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं एंड ओपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में डॉक्यूमेंट या फाइल इन एमएस वर्ड उसको हम कैसे क्रिएट, सेव और ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। सेविंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट कैसे सेव किया जाता है ताकि हम इन फ्यूचर इसको यूज कर पाए। ओपनिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया, सेव किया, जब कभी इन फ्यूचर उसकी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम किस तरह से उसको ओपन या रीओपन करेंगे या कैसे हम उसका यूज कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं सबके बारे में। सबसे पहले आता है क्रिएटिंग फाइल। फाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू क्रिएट अ न्यू फाइल फॉलो द फॉलोइंग मेथड्स। हम नई फाइल को क्रिएट करने के लिए या पहले से ही अगर हमने कोई फाइल क्रिएट की है उसके बाद दोबारा से और फाइल हमने एमएस वर्ड में क्रिएट करनी है ओपन होने के बाद में, तो हम किस तरह से उसको क्रिएट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन फाइल देन न्यू ऑप्शन। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद हम न्यू ऑप्शन में जाएंगे। न्यू ऑप्शन के जाने के बाद फाइल को हम एक ब्लैंक पेज में के रूप में ओपन करेंगे। इसके लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल एन का भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम अपने कीबोर्ड से यूज करके इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इट मीन्स हम न्यू फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन एक कीवर्ड है, उसका यूज कर सकते हैं। देन चूज ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। उसी के ही राइट में हमें एक क्रिएट का बटन मिलेगा, उसको हम क्रिएट करेंगे और हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाएगा और हम उसको रीनेम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन अ फाइल। हमने कोई भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में क्रिएट पहले से कर दिया, उसको हमने सेव भी कर दिया, अब उस डॉक्यूमेंट को या उस फाइल को हम कैसे दोबारा से ओपन कर सकते हैं। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और फाइल, फाइल और डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए जो कि पहले से हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन ओपन बटन फ्रॉम फाइल मेन्यू एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। एमएस वर्ड की जो भी हमने फाइल ओपन की है उसमें हम दोबारा से जो हमारी फाइल पहले से बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए हम सबसे पहले उसमें फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे, जो फाइल मेन्यू हमारी स्क्रीन के सबसे लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। उसमें हम जब क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस में मिलते हैं, बहुत सारे उसमें पॉपअप मेन्यूज मिलते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से उसमें हमें एक फाइल मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, या इसके लिए हम प्रेस कंट्रोल ओ कीज ऑन द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ का यूज भी कर सकते हैं। दोनों प्रोसीजर का एक ही रिजल्ट रहेगा, हम इसमें जो भी पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है हमारे पास, जो पहले से अवेलेबल है, सेव है हमारे सिस्टम में एमएस वर्ड की फाइल, उसको हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग रिज्यूम। इसी तरह से हम जब एक एमएस वर्ड में नई फाइल बनाते हैं तो नई फाइल के साथ साथ हम एमएस वर्ड में एक रिज्यूम फाइल या एक हम यू कहें कि कोई लेटर फाइल भी या कवर लेटर फाइल भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स कुछ इस तरह से रहेंगे। टू क्रिएट रिज्यूम इन एमएस वर्ड टेम्पलेट फॉलो द स्टेप्स। एमएस वर्ड में टेम्पलेट या रिज्यूम या कवर लेटर की कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम इस तरह के स्टेप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन न्यू इन फाइल टैब। सबसे पहले हम वहीं पे लेफ्ट कॉर्नर में फाइल मेन्यू में जाएंगे और वहां पर हम न्यू टैब का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। न्यू को क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स ऑफ योर चॉइस। एक उसमें विंडो ओपन होगी जिसमें बहुत सारे लेटर्स और बहुत सारे रिज्यूम्स अवेलेबल होंगे। हम अपनी चॉइस से उन लेटर्स और रिज्यूम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स हम किस फॉर्मेट का रिज्यूम और लेटर लिखना चाहेंगे उसको हम वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन एडिट एंड मेक चेंजेस इन रिज्यूम और कवर लेटर।
जो भी हम कवर लेटर या रिज्यूम वहां पे सिलेक्ट करेंगे उस विंडो में, उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। इट मीन्स हम उनमें कोई भी चेंजेस अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहेंगे। तो इस तरह से हम एक रिज्यूम या एक कवर लेटर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग डॉक्यूमेंट। हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया, ओपन किया, उसके बाद हमने एक नया रिज्यूम या एक दूसरा वर्ड टेम्पलेट को भी क्रिएट किया। इन सब को क्रिएट करने के बाद हम डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे? टू सेव क्रिएटेड डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड फॉलो द स्टेप्स। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन ऑन फाइल मेन्यू। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जो हमारे पास सेव ऑप्शन अवेलेबल है उसको हम क्लिक करेंगे, वहां से सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक सेव बटन जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल होता है, वहां के क्लिक करके हम सेव अपने डॉक्यूमेंट या फाइल को कर सकते हैं। और इस तरह से तीसरा ऑप्शन हमारे पास एक और अवेलेबल है, जिसमें हम कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का यूज करके अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस कीज को यूज करके अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम उनको यूज कर पाए। नेक्स्ट आता है सेव एंड सेव एज। अब हम जो भी फाइल बनाते हैं उसको हमने सेव कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया उसको हमने सेव कर दिया, अब हम उसको सेव एज भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले है सेव। चूजिंग सेव सिंपली सेव्स योर वर्क बाय अपडेटिंग द लास्ट सेव्ड वर्जन ऑफ द फाइल टू मैच द करंट वर्जन यू सीन ऑन योर स्क्रीन। इट मीन्स जो भी फाइल या जो भी डॉक्यूमेंट हमने एमएस वर्ड में या किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में हम जब उनको क्रिएट करते हैं उनको हम सेव करके अपने पास रख लेते हैं। तो सेव करने से क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने आज बनाया उसको हमने आज सेव करके रख लिया, और हमें कल परसों जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तो उसी तरह से हमें सेव किया हुआ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो डिस्प्ले होता है जब भी हम उसको ओपन करते हैं। लेकिन उसके बाद में हम क्या करते हैं, दोबारा उसमें कोई एडिटिंग करते हैं, कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ उसमें डिलीट कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, उसके बाद में दोबारा हम उसको सेव करते हैं। तो सेव करने का प्रोसीजर वही रहेगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद जो भी हमने सेविंग उस डॉक्यूमेंट में की है, जो भी हमने डाटा उसमें चेंज किया है उसको हमने सेव किया, तो इट मीन्स जो पहले हमने डाटा सेव करके उस फाइल में रखा हुआ था और आज हमने जो डाटा और उसमें एंटर किया या एडिट किया उसको भी हमने सेव किया, तो दोनों को मैच करने के लिए हम सेव का यूज करते हैं। इट मीन्स हम जो भी डाटा सेव करते हैं उसको इन फ्यूचर हम यूज कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे डाटा को सेव करते हैं। ये तो है सेव करना। नेक्स्ट है सेव एज। अब सेव और सेव एज में फर्क यही है कि हम सेव में डाटा क्या करते हैं, ऑलरेडी पहले से जो बनाया है उसको सेव करते हैं, दोबारा उसमें चेंज करते हैं तब भी सेव करते हैं, लेकिन सेव एज में थोड़ा सा चेंज इस तरह से रहेगा। चूजिंग सेव एज टू सेव योर वर्क एज फाइल विद अ डिफरेंट नेम सच एज टू सेव अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट वन डॉट डॉक्यूमेंट। हम कोई भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में सेव करते हैं उसको अगर हम रीनेम करते हैं तो हम अपना नाम उसमें लिखेंगे, और अगर हम उसको रीनेम नहीं करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट वन के नाम से कोई भी रीनेम उसमें ऑटोमेटिकली या हम उसको कहेंगे डिफॉल्ट उसमें नेम आ जाता है एमएस वर्ड एप्लीकेशन की तरफ से। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, फाइल बनाते हैं कोई भी, उसमें डिफरेंट नाम देते हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो उसको हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। इट मीन्स उसका जो डिफॉल्ट नेम है और टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट से नाम के नाम से रहेगा, और उसको हम दूसरा कोई भी नाम अगर देते हैं तो उसको हम टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट के नाम से ही जानते हैं। उसका डॉक्यूमेंट का जो विंडो है, उसका जो डॉक्यूमेंट विंडो का जो नाम है वो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम उसको सेव एज करते हैं तो इट मीन्स वही फाइल जो हमने पहले सेव करी थी उसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद में हमने उसको सेव एज किया तो वो दोबारा से सेम नाम पे सेव तो नहीं होगी, इसलिए वो टेक्स्ट वन डॉट डॉक्यूमेंट के नाम से डिफॉल्ट नाम में सेव हो जाती है, या हम उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। दिस वे यू कैन सेव योर फाइल एट डिफरेंट स्टेजेस एंड कीप मल्टीपल वर्जन्स ऑन योर कंप्यूटर मेमोरी हार्ड ड्राइव। इसी तरह से एक फाइल को हम जब
पहले सेव करके रखते हैं, उसी फाइल को दोबारा हम सेव एज करके किसी भी ड्राइव में, हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप में, हमारे डॉक्यूमेंट में, माय डॉक्यूमेंट में, माय कंप्यूटर में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जहां भी हम उस फाइल को सेव करके रखना चाहेंगे वहां पे हम उसको रख सकते हैं। लेकिन उसका नाम हम थोड़ा सा चेंज करेंगे या डिफॉल्ट नेम उसका, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट के बजाय टेक्स्ट वन डॉट डॉक्यूमेंट के नाम पे सेव हो जाता है। ये उसका डिफॉल्ट नेम रहेगा और हम उस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स हम एक ही नाम की दो फाइलें अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव नहीं कर सकते। उसको अगर हम सेव की हुई फाइल को सेव एज के रूप में अगर करते हैं तो उसको हम नाम चेंज करेंगे या उसका डिफॉल्ट नाम खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। हम उसका नाम चेंज करके उसको कहीं भी दूसरे किसी भी ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स सेव जो हम डाटा करते हैं उसमें और सेव एज में यही फर्क है कि सेव के अंदर जो डाटा हम सेव करते हैं वो ऑलरेडी पहले से हमने सेव किया होता है, उसमें एडिटिंग करने के बाद में हम दोबारा उसको सेव करते हैं, वो एज इट इज एक ही फाइल में पूरा डाटा अपडेट होता रहता है, हम उसको सेव करते रहते हैं। लेकिन सेव एज में पूरी फाइल ही हमारी कॉपी हो जाती है और उस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। इट मीन्स जो फाइल हमने पहले सेव की थी, सेव एज के रूप में हम उसकी दूसरी डुप्लीकेट फाइल कॉपी करके किसी दूसरे नाम को चेंज करके वहां पे रीनेम करके उसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कहीं भी रख सकते हैं, उसको भी हम इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये था सेव एंड सेव एज। नेक्स्ट है ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। टू ओपन द सेव्ड फाइल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया, उसको सेव किया, उसको हमने ओपन भी किया या अभी हमने दोबारा ओपन करना है या हमने सेव एज किया, अब उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे तो उसके लिए कुछ स्टेप्स इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन इन फाइल मेन्यू। जो भी एमएस वर्ड फाइल में या जो भी एमएस वर्ड एक्सेल में या पावर पॉइंट में या जो भी एप्लीकेशन विंडो हम यूज कर रहे हैं उन सब में लगभग एक तरह के स्टेप यूज किए जाते हैं। तो एमएस वर्ड में भी हम क्या करेंगे, जो भी फाइल हमने ओपन करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल मेन्यू के ओपन टैब के अंदर जाना होगा, उसको हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन इट। फिर हम ओपन करने के बाद में फाइल ओपन होगी, उसमें से जो भी फाइल एमएस वर्ड की वहां पे बनी होगी सारी हमें वहां पे डिस्प्ले होगी और जिस फाइल को हम ओपन करना चाहेंगे उसको हम वहां पे क्लिक करके या डबल क्लिक के या राइट क्लिक करके उसको हम ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ओपन बटन, इसी तरह हम उसको डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। द सिलेक्टेड फाइल विल ओपन, देन हमारी फाइल ओपन हो जाती है। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी है जिसका हम यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ। इट मीन्स जो भी फाइल हमारी पहले से बनी हुई है, अगर हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन विंडो को ओपन करते हैं उसमें हम जो भी फाइलें बनी होती हैं उनको देखने के लिए कंट्रोल ओ का यूज करेंगे और इस शॉर्टकट की को यूज करने के बाद में हम देख पाएंगे कि जितनी भी डॉक्यूमेंट फाइल बनी हुई होती है या एमएस वर्ड एप्लीकेशन विंडो में जो भी फाइल्स बनी होती है सारी ओपन हो जाती हैं। उनमें से जिस फाइल को भी हमने ओपन करना होता है उसको हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या उसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये था ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। इट मीन्स हम जो भी फाइल पहले से ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव है उनको हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इन सबको प्रैक्टिकली करने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एमएस ऑफिस ओपन करेंगे, यहां से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को ओपन करेंगे यहां से क्लिक करके। इसी का एक दूसरा तरीका फाइल क्रिएट करने का ये है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, वहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, हम इसको रीनेम कर देते हैं, डबल एंटर करके इसको यहां से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा एमएस वर्ड खुल चुका है। तो अब हम एमएस वर्ड में दूसरी कोई भी फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे न्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ये इस तरह से आपको विंडो ओपन हुई नजर आएगी। इसमें आप देख पा रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम यहाँ राइट साइड में क्रिएट पे क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट वन
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से दूसरा तरीका एक और भी है, हम यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार में भी इसका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए नया डॉक्यूमेंट टू खुल गया, इसको चलिए क्लोज कर देते हैं। इसी का ही नेक्स्ट एक शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं, Ctrl+N, इसको हम कीबोर्ड से क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं एक नया डॉक्यूमेंट फिर से डॉक्यूमेंट 3 ओपन हो गया। इट मीन्स हमने नई फाइल और खोल दी। चलिए इसको भी क्लिक कर देते हैं। अभी हम रहते हैं डॉक्यूमेंट 1 में। तो डॉक्यूमेंट 1 हमने जो क्रिएट किया था, हमने पहली एक फाइल थी जिसमें हमने क्रिएट किया था जो थी डिजिटल त्यागी। ये देखिए हम अभी अपनी मेन फाइल में आ गए हैं। इस तरह से हम एमएस वर्ड में जब भी एप्लीकेशन विंडो हमारी खुली होती है एमएस वर्ड, उसमें हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और या दूसरा हम Ctrl+N को शॉर्टकट की को यूज करके भी इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। पहले से ऑलरेडी हमारे पास जो भी फाइल्स बनी हुई है एमएस वर्ड एप्लीकेशन में, उनको हम कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे, ओपन में क्लिक करेंगे। ओपन में क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारी फाइल्स नजर आएंगी जिनको हम ओपन करना चाहेंगे। उनमें से बहुत सारी फाइल्स में हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसको भी हम अभी ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये हमारी फाइल मान लो डिजिटल त्यागी ओपन हो चुकी है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं Ctrl+O। इसको हम क्लिक करने के बाद में यहाँ से जब आप देख पाएंगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारी फाइल्स खुलेंगी, डॉक्यूमेंट्स में फाइल खुलेंगी, सी ड्राइव में हो सकती है, डी में हो सकती है, एफ में, जी में, जहां भी हमने रखी हुई है वहां हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से अगर डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप में भी अपनी फाइल को ढूंढ के ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमारी फाइल डेस्कटॉप में है, हमने इसको दोबारा से यहाँ ओपन कर दिया तो हम दोबारा अपनी फाइल पे वहां पे पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से पहले से जो बनी फाइल्स होती हैं उनको हम 2-3 तरह के स्टेप्स को फॉलो करके ओपन कर सकते हैं। इट मीन्स पहले जो हमने फाइल क्रिएट की थी उसको हमने सेव करके रखा हुआ है, इन फ्यूचर जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम फाइल मेन्यू में ओपन में जाके या Ctrl+O का यूज करके या हम एक्सेस टूल बार में भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार से भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेम आपको फाइल वैसे ही यहाँ से ओपन मिलेगी जहां से भी आप उनको ओपन करना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पे फाइल है, इसको हम ओपन कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरी फाइल एक ओपन कर दी जो मैंने पहले से ऑलरेडी इसमें बनाई हुई थी। तो इसी तरह से हम एग्जिस्टिंग फाइल या पहले से जो अवेलेबल फाइल्स हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन के अंदर उनको हम रीओपन या ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ रिज्यूम विद एमएस वर्ड टेम्पलेट। अब इसी तरह से हम टेम्पलेट या रिज्यूम भी नया बना सकते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। चलिए थोड़ा सा फिर हम जान लेते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू जाना होगा और न्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे ब्लैक डॉक्यूमेंट्स हैं, इक्विटी लेटर्स हैं और उस तरह से पहले से ऑलरेडी जो मैंने फाइल्स यहाँ पे बनाई है वो भी इसमें आपको नजर आएंगी और इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। इसमें से आप कोई भी अपनी च्वाइस का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको फैक्स करना है तो फैक्स का लीजिए, अगर आपको लेटर लिखना है तो लेटर का लीजिए, अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो आप रिज्यूम का इसमें जो भी फॉर्म है या जो फॉर्मेट है उसको आप सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। इसी तरह से माई टेम्पलेट में आप देखेंगे तो पहले से ही जो आपने इसमें फाइल्स बनाई हुई है, टेम्पलेट आपने पहले से जो बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे, इनको भी आप यहाँ से ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो ये था टेम्पलेट। हम इसी तरह से न्यू टेम्पलेट को ब्लैंक डॉक्यूमेंट में भी बना सकते हैं। इसको भी हम यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है, इसको हम यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया और डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, रिज्यूम या कोई भी कवर लेटर के रूप में इसमें टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। अब जिस तरह से मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये देखिए मैंने यहाँ पे डिजिटल त्यागी के नाम से एक डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएट किया हुआ है। इसमें अगर कोई मैं एडिटिंग करता हूँ, कोई चेंजिंग करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 23 लिख दिया या यहाँ पर मैं मान लो 20 डेट चेंज कर दी या इसकी जगह कुछ मैंने और यहाँ पे चेंज कर दिया, जो भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग इसके अंदर मैं करता हूँ उसको मैं बाद में सेव करता रहूंगा। जो भी इसमें या आप देख पा रहे हैं हैव अ नाइस डे मैंने इसमें और लिख दिया, इसको मैं सेव करने के लिए
सबसे पहले ऊपर जो भी क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का बटन बना हो उसको भी प्रेस करके सेव कर सकता हूँ, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल एस को भी प्रेस करके सेव कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं फाइल मेन्यू में जाके यहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमें तीन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके यूज करके हम अपनी फाइल में जो भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग की है, हमने जो भी चेंजेस की है उसको हम सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेव एंड सेव एज। जैसे आपने अभी देखा मैंने चेंजेस की, इसमें जो भी एडिटिंग की उसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद में फाइल मेरी सेव हो चुकी है। इसमें जो भी डाटा जो भी एडिटिंग मैंने किया वो ऑलरेडी इसमें सेव हो चुका है। ये तो था सेव करना, अब बात आती है सेव एज की। अब ये जो फाइल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखी हुई है इसको मैं दूसरे सेव एज के रूप में भी रख सकता हूँ। इसके लिए मुझे फाइल मेन्यू में क्लिक करना होगा, यहाँ से सेव एज के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में इसको मैं वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में दोबारा से सेव करना चाहूंगा। जैसे मैं इसको सेव का ऑप्शन क्लिक करूंगा तो ये फाइल का नाम पूछेगा, तो इसको मैं कोई भी दूसरी फाइल का नाम दे देता हूँ, डिजिटल त्यागी फाइल नंबर 1 करके इसको मैं रख देता हूँ। इसको मैं जहां भी सेव करना चाहूंगा वहां सेव कर सकता हूँ। तो चलिए मैं फिलहाल इसको डेस्कटॉप में कर देता हूँ, मैं डेस्कटॉप इसको सेव कर दिया। इसी तरह से एक दूसरा और तरीका इसमें यह भी है कि आप क्विक एक्सेस टूल बार में भी आप आइकन देख पाएंगे, इस बटन को आप यूज कर पाएंगे जिससे आप सेव एज कर सकते हैं, या इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से F12 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी फाइल जो हमने सेव की थी वो डेस्कटॉप में हमें मिलती है या नहीं। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो आप देखेंगे कि देखिए हमारी जो फाइल हमने जिसको सेव एज किया था वो हमें यहाँ पे डिजिटल त्यागी 1 के नाम से मिलती है, और इसी से जो पहली फाइल हमने डिजिटल त्यागी के नाम से बनाई थी वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह से हम सेव एज करके इसका रीनेम करके हम इसको जितनी मर्जी बार जहां भी चाहें इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर सकते हैं। तो ये था सेव एज, ये थे क्रिएटिंग सेविंग एंड ओपनिंग ऑफ फाइल इन एमएस वर्ड। तो इन सबको हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखा, तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड स्क्रीन पर। ये थे एमएस वर्ड में फाइल को कैसे हम क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे, उनको ओपन करेंगे, या हम कैसे टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे, या जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है कैसे उनको रीओपन करेंगे। इन सबको हमने स्लाइड और कंप्यूटर में प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल त्यागी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। इसी तरह से देखते रहिए, बने रहिए डिजिटल त्यागी के साथ बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वीडियोस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।